नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। बिहार में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाने के साथ ही इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। 26 मई से 1 जून तक लॉकडाउन पार्ट 3 में वर्तमान पाबंदियां जारी रहेगी। एक बदलाव यह हुआ है कि कृषि संबंधी दुकान जैसे खाद बीज के प्रतिष्ठानों को हर दिन खोलने की अनुमति दी गई है। जी हाँ, पहले के गाइडलाइन से एक बदलाव किया गया है, जैसे कि कृषि संबंधी दुकान जैसे खाद बीज के प्रतिष्ठानों को हर दिन खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन इन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य दुकान के लिए निर्धारित समय सीमा में ही खोला जा सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। फिर उन्होंने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के साथ भी वर्चुअल मीटिंग की। इसके बाद सोशल मीडिया पर लॉकडाउन आगे बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी देखी रही है, इसीलिए बिहार 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए यानी 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया है। इस लॉकडाउन के बीच नया गाइडलाइंस को सरकार ने जारी कर दिया है, जिसमें 1 जून तक ये सब पाबंदियां रहेगी, जैसे कि सभी सरकारी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, इनमें से सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालय ही खोलने की अनुमति है। सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों पर परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंध रहेगा। सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्था ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्था भी बंद रहेंगे। सरकारी स्कूल कॉलेज में किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी धार्मिक स्थल सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेल कूद शैक्षणिक संस्कृति एवं धार्मिक आयोजन समारोह पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल क्लब स्विमिंग पूल स्टेडियम जिम पार्क भी बंद रहेगा। कुल मिलाकर समझे तो पहले के लॉकडाउन 2 के गाइडलाइंस से लॉकडाउन 3 के गाइडलाइंस में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रही है। बस एक नया बदलाव यही है कि कृषि संबंधित दुकानों जैसे खाद बीज के प्रतिष्ठानों को अब हर दिन खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन्हें भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा में, जैसे कि शहर में दुकान 6 से 10 और गांव में 8 से 12 ही खुलेगी, वो भी पुराने गाइडलाइंस में निर्धारित दुकान प्रतिष्ठान के साथ। शादियों में भी पिछले गाइडलाइंस की तरह 20 लोगों को ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात जुलूस और डीजे नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी तथा अंतिम संस्कार श्राद्ध में भी 20 व्यक्ति को ही अनुमति होगी।